नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मामला अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां सीएचसी में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गंभीर बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। वजह यह है कि सीएचसी परिसर में जगह जगह पर मेडिकल कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। इन कूड़ों के ढेरों में लाइलाज और जानलेवा बीमारी कोरोना की टेस्टिंग किटों को टेस्ट करने के बाद फेंक दिया गया। यह हाल तब है जब जिले के सीएमओ एक मामले की जांच के सिलसिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। बावजूद इसके परिसर में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, सीएचसी के अंदर कुत्ते आराम फरमाते नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। एसटीएफ लखनऊ और गोरखपुर की टीम और कोतवाली पुलिस ने मुड़वा नगर टोल प्लाजा से दो अंतर जनपदीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए तस्करों के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद हुई। बरामद स्मैक की मात्रा 1 किलो 44 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की गई है। बता दें कि जब कोतवाली क्षेत्र के बड़ेवन टोल प्लाजा के पास स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 44 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई। स्मैक के साथ पकड़े गए तस्करों की पहचान बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के टीकरा उमा निवासी मोहम्मद हसीब, बिहार राज्य के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा के पचभेड़िया निवासी छबीला यादव के रूप में हुई है। एसटीएफ की लखनऊ यूनिट को इस बात की सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कुछ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस लेकर के इसको बेचने के उद्देश्य से बिहार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में टोल प्लाजा के पास छापेमारी की गई तो इस गाड़ी को रोका गया। उसमें से दो व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद हसीब और छबीला यादव है पकड़े गए और इनके कब्जे से 1 kg और 44 ग्राम स्मैक, 2 अदद मोबाइल और 15,000 रुपये बरामद हुए। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया, ये लोग मूल रूप से टिकरा उस्मा जो थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी का गांव है। देवरिया बैतालपुर डिपो के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक दुर्घटना में घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया जबकि दो की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रवाना किया है। वहीं इस खबर के मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं देवरिया के बैतालपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आवारा चौकी ग्राम सभा से ग्राम समाधान दिवस के मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए उसे निस्तारण कराने के लिए लेखपाल साधना सिंह, प्रधान सहायक पंचायत कृति सिंह, कृषि विभाग टेक्निकल असिस्टेंट निवेदिता राजपूत सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधान विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मेरा ग्राम सभा आवरा चौरी में लगभग 50 से 60 लोगों का ग्राम समाधान दिवस के माध्यम से समस्याएं सुनी गई हैं। निस्तारण हो रहा है, सबका समस्या का निस्तारण हो रहा है। जो भी लोग आए हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिनकी जो समस्या है अपनी बात रख रहे हैं, उसका निस्तारण किया जा रहा है। लेखपाल भी यहाँ मौजूद हैं, कृषि विभाग से भी मौजूद हैं। उस किसान सम्मान निधि का मामला था, उसका भी समाधान विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेखपाल द्वारा जो भूमि संबंधित मामले हैं उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है, सबका समाधान के लिए हर लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारी समस्या ये सर कि अपनी ज़मीन नापी करवानी है। लेखपाल साहब से मिले तो बोले एसडीएम साहब से आदेश करवाइए। हमने 17-12 को आदेश करवा लिया, अभी तक नापी नहीं किए सर। बोलते आज होगा कल होगा, अभी तक हुआ नहीं। वहीं गोरखपुर में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां के गुलरिहा थाना क्षेत्र में प्रेम में बंधा बनने पर पति ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को जान से मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी पत्नी अपने प्रेमी संग मिलकर बर्फ तोड़ने वाले सब्बल अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। जब यह सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 6/5 को एक छोटे लाल नामक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी।
जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु जिनकी हो गई, उसके संबंध में प्रारंभिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट की घटना है, लेकिन पुलिस ने छानबीन किया, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी की टीम ने लग के इसको वर्कआउट किया। इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी, और चूँकि वो शराब पीने का आदी था और इनको मारता पीटता था और इनके दूसरी जगह संबंध थे, तो इन्होंने उस जो इनके प्रेमी था उसके साथ में मिल करके अपने पति छोटेलाल की हत्या करी। गांव के पूर्व प्रधान पप्पू चौहान की अगुवाई में जुटे ग्रामीणों ने वीडियो पर आरोप लगाया कि कोटे की दुकान पिछले 6 महीने से लंबित है। कई बार निवेदन के बावजूद भी ग्रामीणों के हितों की अनदेखी की जा रही है और ये पंचायत कभी भवन तो कभी प्राथमिक विद्यालय परिसर में चयन को लेकर बैठक हुई, लेकिन वर्तमान प्रधान के प्रभाव में आकर ब्लॉक के अधिकारी कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र के शान गांव में बनी स्थायी गौशाला का उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि एसडीएम गरिमा सिंह ने गौशाला का औचक निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए, तो वहीं जांच के दौरान गायों की कुल संख्या पूछे जाने पर ग्राम प्रधान के नापता होने पर जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा ग्राम सचिव ने आधी अधूरी जानकारी मिलने पर उनकी जमकर फटकार लगाते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। थाना सांडी निवासी जागेश्वर, जो कि अपनी मूंगफली की खेती खाने गए थे, रात में अज्ञात जानवर द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को जिसे सूचना मिली, पुलिस ने शव को पंचायत में भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो भी कारण आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में खेत पर मूंगफली की फसल की रखवाली कर रहे किसान के ऊपर आदमखोर जानवर ने हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इतनी देर से हाथ दिला थाना अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर घट्टूघाट के पास कैंप कर्मचारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से यमकेश्वर ग्राम प्रधान संगठन भड़क गए। संगठन से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने मंगलवार की सुबह लक्ष्मण झूला थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। एक्चुअल में क्या होता, 13 तारीख को घट्टूघाट में हमारे एक हत्याकांड हो गया था, बच्चे को एक नवयुवक मारा गया था, और तब से हम देख रहे थे कि भाई क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अभी तक कोई कार्रवाई ना होने के चक्कर में हमें आज मजबूरन ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। और हमने अल्टीमेट दिया है कि यदि 19 तारीख तक मामले का सुलझाव नहीं हुआ, आरोपी नहीं पकड़े गए, वो स्विच उनके कैंप को सीज नहीं किया गया, और जो घट्टूघाट से यहाँ आपके गरुड़ चट्टी से और पीपलकोटी तक रोड से गाड़ियों को अवैध पार्किंग को ना हटाया गया, तो हम 20 तारीख से चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार तो अपराधियों के साथ कभी थी नहीं, ना कभी होगी। जिसने भी ये अपराध किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो जब धरती में रहे पाताल में रहे कहीं रहे। आज आप यहाँ मौके पहुंची, क्या आश्वासन दिया लोगों को आपने? मैं आश्वासन, ये 3 दिन का अल्टीमेटम मिला है इन लोगों को, और ये मेरे को लगता है कि ये काम तुरंत हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर। ये मैंने भी अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के अंदर काम होना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए, अपराधियों को ढूंढ के लाए कहीं से भी। लोगों का आरोप है कि पुलिस इसमें ढीला रवैया अपना रही है, इसमें क्या कहना है आपको? अब ढील तो इन्होंने दी है, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला है, मगर जनता द्वारा हमारे द्वारा 3 दिन का इनको टाइम मिला है।
संभल में पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री बरामद कर भारी मात्रा में तमंचे कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला नखासा इलाके का, जहां पुलिस ने आम के बाग में दबिश देकर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। थाना नखासा में एक आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसपी साहब के द्वारा अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें नखासा पुलिस द्वारा मुखबर की सूचना पर हातिमसराय रोड पर महबूज के बाग में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें मौके पर एक फैक्ट्री बरामद की गई, जिसमें आधा दर्जन तमंचे बरामद किए और फैक्ट्री के उपकरण बरामद किए, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक तो शकील और तोहिर है। अभी पूछताछ जारी है, इन्होंने कहाँ कहाँ अभी असली भेजे हैं, कहाँ कहाँ किन किन स्थानों भेजे हैं, अभी इनसे पूछताछ जारी है। मुकदमा पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पुलिस को हाल ही में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि यूपी पुलिस ने हाल ही में कुख्यात जैकी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 बदमाशों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ये बदमाश मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रयागराज के रहने वाले हैं और इनका एक संगठित गिरोह है जो ताबड़तोड़ घटनाएं की वारदात को अंजाम देता है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की इस कामयाबी पर SSP द्वारा टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा भी की गई। मामला थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत 12 मई को काना श्याम होटल में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सगाई समारोह में आभूषण और नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया गया था। इस घटना की खुलासे के लिए 5 तेज तरार टीमें SPCT के नेतृत्व में लगाई गई थी, जिन्हें सफलता मिली है और एक इंटर स्टेट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 9 सदस्यों का गैंग है, जिसमें से 5 बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पूरी की पूरी जो सारे आभूषण थे, जिसमें डायमंड का सेट था, सोने का सेट था, चांदी की पायल थी, एक एप्पल आईफोन करीब 80-90 हज़ार रुपये का था, हीरे की अंगूठी थी और 69,000 रुपये कैश हमने बरामद किया है। सहारनपुर के शारदा नगर में आर नटराज अकेडमी के द्वारा एक दिवसीय डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आर नटराज अकेडमी के कोरियोग्राफर राहुल सक्सेना ने बताया कि एक दिवसीय डांस वर्कशॉप में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनको डांस से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं डाक वर्कशॉप में शिवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का खिताब जीता, जबकि दूसरे स्थान पर सुलिनी झा और तृतीय स्थान पर डॉली ने खिताब जीता है। बता दी कि कोरियोग्राफर राहुल सक्सेना की डांस एकेडमी ने वन डे डांस संपन्न हुई पार्टिसिपेट किया था और उन्हें सबको सर्टिफिकेट मिले हैं। देन उसके बाद जो बच्चा विनर निकला है उसे 1100 का कैश प्राइज मिला है। यस, और जिसे हमारी पूरी टीम ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी अब तक के 7 वर्कशॉप लग चुकी हैं और जिसमें से एक वर्कशॉप थी हमारी वन डे डांस वर्कशॉप। इसमें हम बच्चों के लिए कम फीस रखते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकता। यस, इस वर्कशॉप में कई लोगों ने हमारा सहयोग किया है, जैसे कि मेरी टीम ने, देन ETC। यस, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप भी लगने वाली है, इसी के कारण हम सबसे विदा लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप में आए और नेक्स्ट वर्कशॉप में बहुत धमाके, बहुत कैश प्राइज एंड बम्पर। समाज कल्याण विभाग में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कैमरे में शराब की बोतल, नमकीन के पाउच, सिगरेट गुटके की तस्वीरें कैद हुई हैं। और इसके अलावा खबर यह भी है कि समाज कल्याण विभाग में करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है और विभागीय कर्मचारियों पर घोटाले के सबूतों को मिटाने की आशंका जताई जा रही है। बता दें इस पूरे मामले में सूबे के CM योगी आदित्यनाथ ने पहले भी संज्ञान लिया था, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था। सरोवर नगरी नैनीताल में जिले भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने तलीताल महात्मा गांधी मूर्ति के पास भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोविड काल के दौरान जब लोग घरों में थे तो आशाओं ने पूरी निष्ठा और लगन से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जिस पर पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणा के बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। आशाओं का कहना है कि भाजपा सरकार एक ओर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं का अपमान करने से नहीं चूकते। जिंदाबाद।
इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिलाए जाने और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाए जाने संबंधी मांगों को लेकर भारतीय विकलांग समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा गया। इस दौरान भारतीय विकलांग समाज कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष रशाद खान, सलीम मलिक, अरशद अली, लोकेश सैनी, अब्दुल रहीम, मोहम्मद इरफान आसिफ शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।